तो बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, यदि 26 156 का लॉस हो जिसे हम एलसीएम भी कहते हैं, 156 है तो मौसो यानी कि एचसीएफ कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, सो आपको जो आपको पता है कि जो प्रथम संख्या होती है ना, डिटेल में करवाऊंगा मैं हर एक क्वेश्चन, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या जो होती है किसके बराबर होता है, वो होता है एच सी एफ गुणा एल सी एम के बराबर होता है, या भली बात ही जानते होंगे। तो देखिए हमारे पास जो पहली संख्या है वो 26 है, ठीक है, पहली संख्या कितनी है 26 है, जो दूसरी संख्या है ठीक है वो 156 है, और इनका जो लॉस ऑफ दे रखा है वो 156 दे रखा है, हमें एच सी एफ ज्ञात करना है। ठीक है, देखो 126 156 यहाँ है, 156 इधर भी है, दोनों तरफ बराबर है, कट गया, यहाँ पर क्या बचा 26, और इधर क्या है एच सी एफ, तो जो एच सी एफ का मान होगा बच्चों वो कितना होगा, वो होगा 26। क्या ऑप्शन में 26 दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स अभाज्य संख्याओं का युग्म है। स अभाज्य संख्या क्या होती है, अगर आपके पास कोई दो संख्या है जैसे ए और बी, कोई दो संख्या है, अगर इन दोनों संख्याओं का एच सी एफ एक होगा तब जाके इन दोनों संख्याओं को हम क्या कहेंगे, स अभाज्य संख्या कहेंगे। तो यहाँ देखिए 14 है, 35 है, ये 7 से कट जाता है, तो इसका एच सी एफ 7 आ जाएगा, देखो 7 × 2 = 14, 7 × 5 = 35, तो एच सी एफ 7 आ गया, तो ये वाला तो नहीं होगा। फिर देखो 31 × 1 = 31, 31 × 3 = 93, तो इसका एच सी एफ कितना आ गया 31, ये देखो 2 से कट जाएगा है ना, हाँ 2 से कट जाएगा, तो 1 × 2 = 12, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, तो इसका एच सी एफ कितना आ गया 2, तो 3 गलत हो गए, तो ये वाला सही हो जाएगा। 18 और 18 को मैं लिख सकता हूँ, देखो 18 को लिख सकता हूँ 9 × 18, ठीक है 9 × 18, और 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 25, कोई भी है जो दोनों में हो, कुछ भी नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं है यानी कि एच सी एफ एक है, जब कुछ भी नहीं होता दोनों में ओपनिस्ट, तो उस स्थिति में एच सी एफ कितना होता है, एक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला बोल रहे कि बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी क्या होगी, दो बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी, आपको सूत्र तो पता ही होगा, ये एक्स वन है ये वाई वन, ये एक्स टू है ये वाई टू, इसे आप ए बिंदु बोलो इसे आप बी बिंदु बोलो, तो अगर हमें ए बी निकालना है, सूत्र होता है एक्स वन माइनस एक्स टू का वर्ग वाई वन माइनस वाई टू का वर्ग, यही सूत्र होता है। तो देखो भाई एक्स वन का मान कितना है 5, एक्स टू का मान कितना है माइनस के 12, ठीक है, तो माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, वाई वन है 0, वाई टू है 0, ठीक, तो 12 और 5 क्या हो जाएगा 17, 17 का वर्ग, 0 में से 0 कटेंगे 0, देखो 17 का वर्ग 0 का वर्ग 0 होता है, 17 का वर्ग आ जाएगा, 17 का वर्गमूल कितना होता है 17 होता है, तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो कितना मिलेगा 17 मिलेगा। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिसको हम 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल हो। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या बोली है यानी कि हमें एलसीएम निकालना है, और अगर बड़ी से बड़ी बोलता है तो हमें एचसीएफ निकालना होता है। 5 भी मतलब 35 भी 7 दे, 56 भी शेषफल 7 दे और 91 भी 7 दे, यानी कि हर एक संख्या 7 शेषफल देता है, तो हर एक संख्या में से 7 घटा देना है, 35 में से 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 28, 56 में से 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 49, और 91 में से 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 84। ठीक है, अब हम इसका कर देते हैं गुणनखंड, देखो गुणनखंड करेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 7 = 14, 7 × 1 = 7, 49 का आ जाएगा 7 × 7 = 49, 7 × 1 = 7, 84 का करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 × 8, 2 × 4, 2 × 4, 2 × 2 = 2, 3 × 7 = 21, 7 × 1 = 7। ठीक है, सो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं,
28 को मैं लिख सकता हूँ 2, 2 बार है 7, 1 बार। 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 के नीचे 7, 7 कितनी बार है 2 बार है। और 84 को मैं लिख सकता हूँ, देखो 2 कितनी बार है, 2 है 2 बार, 7 है 1 बार और 3 है 1 बार। तो ऐसी संख्या हमें पहले ढूंढनी है जो तीनों में है, ये तीनों में है, हमें क्या निकालना है एलसीएम, जो तीनों में है उसकी मैक्सिमम पावर। तो 7 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, फिर यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, और ये 3 बच गया। ठीक है, इनको आप गुणा करके लिखो, 7 × 7 = 49, 2 × 2 = 4, तो 4 × 3 = 12, 49 को गुणा कर देना है 12 से। ठीक है, 49 को गुणा कर देना है 12 से, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। देखो सही कैलकुलेशन कर किया है ना हमने, वो छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल है, 35 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो 28 बचेगा, 56 में से हम 7 घटाएंगे ठीक है तो 49 आ जाएगा, ठीक है, और 91 में से हम 7 घटाएंगे, क्योंकि एक बार रीचेक कर ले रहा हूँ ना, 91 में से अगर 7 घटाएंगे तो 84 आ जाएगा, 7 × 28 ठीक है, 7 × 49 ठीक है, 2 × 2 = 2, 2 × 4 2 × 2 = 1, 3 × 7 ठीक है, ओके सब तो सही किया है। 7 की मैक्सिमम पावर 2, 2 की मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 ही है, और ये 3 बच गया, सब तो सही है। तो 49 × 12 ठीक है, 49 × 12 करेंगे तो कितना आ जा रहा है, 588 ये आ रहा है हमारा आंसर। तो ये तो ऑप्शन में है नहीं भाई, ठीक है ये ऑप्शन में नहीं है, तो देख लीजिएगा, लेकिन पूरा हमने सही काम किया है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 8 के प्रथम 5 गुणज निकालिए, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल क्या होगा, तो एशन निकालना है, योगफल यानी कि एशन, हमारे पास ए क्या 8 का गुणज अगर हम बात करें, 8 × 8 8 × 2 = 16 ऐसा चल रहा होगा, तो ए हमारा 8 है, डी भी हमारा 8 है ठीक है, एन हमारा 15 है, और हमें एशन निकालना है। ठीक, आप जानते हैं कि भैया जो एशन बराबर होता है वो होता है एन बट्टे 2 2a प्लस एन माइनस 1 × d होता है। ठीक है, सो देखिए एन का मान कितना है हमारे पास, एन का मान है 15 बट्टे में 2, ए का मान है 8, एन हमारे पास है 15 माइनस 1 और d हमारे पास है 8, सो देखो 15 और बट्टे में 2, 8 × 2 = 16, 15 में से 1 गया कितना आ गया 14, 14 गुणे में कितना है 8, 14 × 8 कितना होता है 112। ठीक, आगे हल करेंगे 15 × 2, तो देखो हमारे पास क्या है 112 है, उसमें जोड़ना कितना है 16, तो ये 128 हो गया, काटो 2 × 12 2 × 8 तो 15 × 64 ठीक है, तो हमें क्या करना है 64 में गुणा कर देना है 15 से, तो ये आ जाएगा 960, कितना आ जाएगा 960, क्या ऑप्शन में 960 है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कह रहे हैं यदि द्विघात समीकरण जो मैंने पढ़ाया तो वही आपके एग्जाम में आया है, और ये ऐसे क्वेश्चन है कि हर साल इंपॉर्टेंट रहते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, सारे सेट्स में करा दूंगा और प्लेलिस्ट के लिंक्स भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो इन सारे पेपर्स को मैं करा दूंगा सारे पेपर्स। क्या बोल रहे हैं, द्विघात समीकरण का एक मूल माइनस के दे हुए तो पी का मान क्या होगा, जो मूल होता है यानी कि वो एक्स का मान होता है, एक्स बराबर माइनस 2 है, तो जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है ना वहाँ वहाँ क्या रख दो माइनस के 2, तो एक्स की जगह पर रखो माइनस के 2, जहाँ जहाँ एक्स आपको दिख रहा है वहाँ रख दिया माइनस के 2 ठीक, तो माइनस कवर करने में प्लस हो जाता है 2 × 4 2 × 4 देखो 4 × 4 घटेंगे 0, माइनस का पी है तो माइनस का पी इस तरफ का क्या हो जाएगा प्लस का पी, तो पी का मान क्या हो जाएगा 0, पी का मान हो जाएगा 0 ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु इतने तथा इतने से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ये क्वेश्चन एक नंबर में हर साल एग्जाम में आ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्स अक्ष पे बोले
माना एक्स एक्स के लिए वाई निर्देशांक क्या होता है, जीरो होता है, और ई निर्देशांक हमें दे रखे हैं 5, -2, और इसे बी बिंदु मान लेते हैं, बी निर्देशांक दे रखे हैं -3, 2। ठीक है, समदूरस्थ बोला है, यानी कि ए से लेकर पी के बीच की दूरी, पी से लेकर बी के बीच की दूरी आपस में क्या है, बराबर है। प्रश्न में बोल रखे हैं ए पी बराबर पी बी, ठीक है, समदूरस्थ बोला है, समान दूरी पर। तो देखो सूत्र क्या होता है, एक्स वन ए पी में एक्स वन की जगह कितना है 5, एक्स वन माइनस एक्स टू का वर्ग, फिर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का वर्ग, ये ए पी की बात हो गई। अब इसमें आ जाओगे पी बी में, ये हो जाएगा एक्स एक्स वन माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, एक्स वन माइनस एक्स टू का वर्ग, अब ये हो गया वाई वन माइनस वाई टू का वर्ग। इधर भी अंडरूट है, इधर भी अंडरूट है, अंडरूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं वर्ग करने पर, वर्ग जब सही कर देंगे हम तो इधर से अंडरूट और इधर से अंडरूट हट जाएगा, ये है 5 - x, इसे खोल दोगे, ए का वर्ग 5 का वर्ग 25 प्लस बी का वर्ग माइनस का 2 है अभी 5 × 10x, यहाँ से माइनस का 2 बचेगा, -2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, इसे खोलोगे ए प्लस बी का वर्ग, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग 3 का वर्ग 9 प्लस के 2 है भी 2 × 3 = 6x, 0 में से 2 घटाएंगे, माइनस का 2 बचेगा, 2 का वर्ग क्या होता है 4, बराबर के दोनों तरफ सेम चीज़ कट जाती है, प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर कटा, प्लस के 4 कटा। अब हम क्या करेंगे, संख्या को एक तरफ लाएंगे, बाकी सबको एक तरफ, 25 है और ये प्लस का 9 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 9, और ये माइनस का 10 इधर के क्या हो जाएगा प्लस के 10x, 25 में से 9 घटाऊंगे तो कितना बचेगा 16, और ये हो गया 16x, 16 गुणे में इधर के बट्टी में आ जाएगा, 16 × 1 = 16, तो x का मान क्या आ गया बच्चों, x का मान आ गया 1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, x का मान आ गया 1, यानी कि जो बिंदु होगा वो होगा 1, 0, बिंदु क्या होगा 1, 0, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम आ जाते हैं, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, क्या बोल रहे हैं कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी, मूलों की प्रकृति अगर हमें निकालना है तो हमें निकालना है विविक्तिकर, जिसका सूत्र होता है b² - k4ac। देखो प्रश्न में आ जाओ, ए क्या है हमारे पास, ए होता है x² का गुणज 2, बी होता है x² का गुणज -k5, और सी होते हैं अचर पद जो कि है 4, यहाँ रख दोगे b² यानी कि -5, 4, ए का मान है 2 और सी का मान है 4, माइनस का वर्ग करने प्लस हो जाता है 5 × 25, 4 × 16 = 32। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, देखो 4 × 16 = 32, 25 में से 16 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा -7, तो डी का मान कुल मिला के आ गया माइनस में, और जब डी का मान माइनस में आता है तो मूल काल्पनिक होता है, मूल क्या होता है काल्पनिक, जिससे कहते हैं कि भैया इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता, कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ वास्तविक और समान, काल्पनिक यानी कि वास्तविक नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे यदि इनके संगत कोण बराबर हो, यदि इनके संगत भुजाएं समानुपाती हो, ठीक है, या ऑप्शन ए और बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कथन ए और बी दोनों सही होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में आ जाऊं, क्या बोला जा रहा है कि चित्र में त्रिभुज ओ डी सी समरूप है ओ बी ए के, बी ओ सी 125 है, तो सी डी ओ का मान 70 है, ओ ए बी का मान ज्ञात करना है, ओ ए बी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ओ ए बी का मान, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। अब सबसे पहले देखो ये क्या है, एक सरल रेखा है,
एक सरल रेखा में जो कोण होता है वो कितना होता है? ठीक है, ये जो रेखाएं और ये जो रेखाएं आपस में समानांतर है, ये प्रश्न बोला नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। देखो ये इस कोण को मान लेते हैं x है, x प्लस 125। एक सरल रेखा पे जो कोण बनता है वो बनता है 180। ठीक, तो ये प्लस का 125 इधर आके हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 55। कितना बचेगा? 55 डिग्री। तो ये वाला जो कोण है 55 है, तो ये वाला कोण ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 55। अब आप ध्यान से देखो, हमें प्रश्न में बोल रखा है ODC। ODC जो है वो किसके बराबर है? OBA के बराबर है। देखो अगर यहाँ 55 है तो यहाँ 55 होगा, क्योंकि ओ कोण ओ के बराबर होगा, क्योंकि दो त्रिभुज समरूप होने पर उनके संगत कोण बराबर होते हैं। ओ कोण ओ के बराबर होगा, डी कोण बी के बराबर होगा, डी कोण बी के बराबर। यहाँ 70 है तो यहाँ पे भी कितना होगा? 70। और सी कोण ए के बराबर होगा। अब आप ध्यान से देखो, हालांकि एक नंबर का प्रश्न है, NCERT का प्रश्न है, करा रखा था, ये 70 है। ठीक है, ये हमें निकालना है, इसको मैं वाई बोल देता हूँ और इसको जस्ट अभी आपने निकाला 55। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 70 प्लस 55 प्लस वाई कितना होता है? 180। तो इन दोनों को जोड़ोगे 125 आ जाएगा, प्लस का 25 इधर के गया हो जाएगा 125 माइनस में, तो वाई का मान कितना आ जाएगा? 55। यहाँ पे 55 होगा तो यहाँ पे भी कितना होगा? 55। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 55 डिग्री। ठीक, अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे हैं साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में बराबर है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा के मान किस एंगल के लिए बराबर होते हैं? साइन 45 और कॉस 45 आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि साइन 45 का मान भी होता है 1/√2, कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2। तो किस एंगल के लिए बराबर होते हैं? 45 डिग्री के लिए बराबर होते हैं साइन और कॉस। ठीक, देखो ये क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस आया था, आप प्रश्नावली 8.3 का है, तो मेरे हिसाब से तो बोनस नंबर मिलना चाहिए, परंतु मैं आपको करके दिखा रहा हूँ डिटेल में। देखो इसका आंसर तो एक होगा, साइन 15 बट्टे में कॉस 15। ठीक, देखो इन दोनों कोणों को जोड़ोगे तो 90 आएगा, लेकिन ना तो साइन 15 का मान तुम्हें पता है, ना ही कॉस 15 का मान ट्रिग्नोमेट्री टेबल में मालूम है। जब दो कोण को जोड़ने पर 90 आता है ना, तो उनमें से किसी एक को बदला जाता है। मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाला वैसे के वैसे रखकर नीचे वाला बदल देता हूँ। तो कॉस है 90 में से मैं कितना घटाऊं कि 15 आ जाए और 75 आ जाए, तो 15 घटाना पड़ेगा। और आप जानते हैं कॉस 90 माइनस के जो थीटा होता है वो होता है साइन थीटा। ऊपर तो हम वैसे का वैसे रखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। ऊपर नीचे सेम आ गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। ठीक, आगे बढ़ो। कह रहे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान 0 है, तो इसका मान क्या होगा? साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सो देखिए हमें दे रखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है, तो देखो माइनस के कॉस थीटा इधर के क्या हो जाएगा? प्लस के कॉस थीटा, और गुणे में मैं 1 लिख सकता हूँ। अब ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में। साइन बट्टा कॉस क्या होता है? 10 थीटा। ठीक, अब इधर देखो, इधर बीच में बराबर ना, दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक मान समान करने होते, इधर 10 है तो इसका मान भी 10 में सोचना है, तो एक का मान 10 45 का होता है। 10 से 10 हटा, थीटा का मान क्या आ गया? 45। अब हमें निकालना है साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, इसलिए साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा। थीटा का मान कितना है? 45। यानी साइन 45 की पावर में 4, कॉस 45 की पावर में 4। साइन 45 का मान होता है 1/√2, पावर में लग गया 4, और कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2, पावर 4। 1 की पावर 4, 1 की पावर कुछ भी हो, 1 ही होते हैं। √2 को 4 बार गुणा करेंगे, √2 × √2 × 4, √2 को 4 बार गुणा करोगे 4 आ जाएगा। इसके बट्टे में और इसके बट्टे में समान है, तो लॉस ऑफ पावर वही रहेगा, जब नीचे समान होता है ऊपर वैसा का वैसा जुड़ जाता है। तो ये हो गया 2/4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
अब फिर यहाँ पर क्या है कि इसका मान क्या होगा, सेक ए ठीक प्लस में क्या है टेन ए, और इधर है वन माइनस साइन है। सेक को हम लिख सकते हैं एक बट्टा कॉस। देखो जब कोई सर्व आपको हल करना आता होगा कि जब कोई त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण नहीं लगती है तो उसके बाद हम फलन को साइन कॉस में बदलना होता है। तो सेक को लिखते हैं एक बट्टे कॉस और टेन को लिखते हैं साइन बट्टा कॉस। ये तो पहले से ही साइन कॉस में बदला पड़ा है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैंने एक ले दी, एक लिख दिया। अब ये देखो इसके बट्टे में कॉस, इसके बट्टे में कॉस है, लॉस ऑफ आ जाएगा कॉस। जब नीचे समान है ऊपर वैसे का वैसे लिख देते हैं, प्लस में है तो प्लस में आ गया। अब ये दो ब्रैकेट्स हैं आपस में गुणे में, ये ए प्लस बी के रूप में गुणा ए माइनस बी के रूप में। आप जानते हैं कि भैया ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, क्योंकि ऊपर ऊपर गुणा होगा नीचे नीचे गुणा होगा ना, तो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, और कॉस ए को एक से गुणा करेंगे वही रहेगा। एक का वर्ग एक होता है ठीक, और देखो आप जानते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर सर्वसमीकरण है, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो बार गुणा, कॉस से कॉस कटा, यहाँ क्या बचा कॉस। तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा कॉस, वो क्या होगा कॉस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं ठीक है। कह रहे चित्र में बिंदु ओ का बिंदु ए तथा बी से देखने पर अवनमन कोण क्या होगा, अवनमन कोण क्या होगा। देखो यहाँ पे आ जाओ, अवनमन कोण इधर वाला होता है, ये नीचे वाला अवनमन कोण नहीं है। अगर देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 होता है, अगर ये 60 है तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो देखो ये वाला अवनमन कोण, ये देखो ये कितना है 45 है, और ये वाला कितना हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा 30। तो अवनमन कोण हमारा होगा, एक तो दे ही रखा है पहले 45, ये नहीं पता था जो यहाँ होता है वही चीज़ यहाँ होती है, यहाँ 30 से यहाँ ऑटोमेटिकली 30 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 45 और 30। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा ठीक। कोई भी दिक्कत हो प्रश्न में आप एक बार दोबारा ज़रूर देखें, जो मैं पढ़ाता हूँ वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और ये मेरे सारे पढ़ाए हुए प्रश्न थे ठीक है, सारे पढ़ाए हुए प्रश्न थे। कमेंट करके आप ज़रूर बताना आपको कितने मिले पढ़ाए हुए प्रश्न में, और ये वीडियो आपके जो जूनियर्स हैं उनको भी रिकमेंड ज़रूर करना, क्योंकि आपको पता है विगत वर्षों के प्रश्न पत्र में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो एनसीईआरटी के साथ साथ PYQ विगत वर्षों के प्रश्न पत्र लगाना बहुत ज़रूरी है अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं। तो कह रहे हैं त्रिभुज ABC में सी कोण 90 डिग्री है। देखो हमारे पास एक त्रिभुज है ठीक, जिसमें सी कोण 90 डिग्री है, अगर ये सी है तो यहाँ बी है और यहाँ ए है, यहाँ पर आपका 90 डिग्री है। टेन ए का मान ए कोण के लिए, जिस कोण के लिए बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती है लंब, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आधार ए कोण के लिए। टेन ए हमें दे रखा है 1/√3, यानी कि लंब टेन थीटा बराबर क्या होता है आप जानते हैं ना, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम ठीक। आप यहाँ से जानते हैं ये साइन होता है, ये कॉस ये टेन, यहाँ से कॉसेक सेक कॉट, तो लंब बट्टे आधार होता है 10 ठीक है। तो ये हमारा क्या है लंब, लंब हमारा एक है और आधार, आधार मेरा क्या है √3। तो हमें कर्ण नहीं मालूम, तो पहले कर्ण निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। आप जानते हैं क्या होता है कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आधार मेरे पास क्या है √3 वर्ग, लंब मेरे पास क्या है एक, तो √3 का वर्ग करेंगे √ हट जाएगा, एक का वर्ग एक, तो ये हो गया 4। कर्ण मुझे निकालना है तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो कर्ण मेरे को मिल जाएगा 2। अब प्रश्न में आ जाओ, ये सब निकालना है अपन को, हमें निकालना है साइन ए कॉस बी कॉस ए
साइन बी, साइन ए और कॉस ए। तो ए के लिए चित्र ऑलरेडी बन रखे हैं। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास क्या है, एक, और कर्ण मेरे पास क्या है, दो, प्लस कॉस ए। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार मेरा है अंडर रूट तीन और कर्ण मेरा है दो। ये ए वाले के लिए मैंने निकाल दिया, अब मुझे बी वाले के लिए भी चाहिए ना, तो मैं अलग से चित्र बना लेता हूँ। देखो यहाँ पर मेरा ए है, यहाँ पर मेरा बी और यहाँ पर मेरा सी, मान सेम रहेंगे, अंडर रूट तीन, एक, ये दो। देखो बी के लिए पूछा है, जिस कोण के लिए पूछता है उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाती है, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। अगर ये लंब है, ये कर्ण है, तो आधार ये हो जाएगा। कॉस बी सूत्र क्या है, आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या है, एक, कर्ण मेरा दो है। साइन, साइन के लिए सूत्र तो लंब बट्टे कर्ण, लंब मेरा कितना है, अंडर रूट तीन और कर्ण मेरा है दो, ठीक। ऊपर ऊपर गुणा, एक एक कम एक, दो दुनी चार, अंडर रूट तीन गुणा अंडर रूट तीन, अंडर रूट हट जाएगा, तीन दो दुनी चार, ठीक। इसके बट्टे में समान है तो ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाता है, अगर घटाने का होता तो घट जाता, तीन और एक चार, चार एकम चार, आंसर कितना आ गया, एक, आंसर होगा एक। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे हैं एक घड़ी के मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, एक मिनट में सुई द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, एक मिनट पे पूछा है, ठीक। सो देखो एक मिनट के लिए पूछा है, ध्यान से देख, ध्यान रखना, जो मिनट की सुई की लंबाई आर है, तो एक चक्कर में मान लेते हैं एक मिनट में यहाँ आएगी, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, एक चक्कर में कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना, तो आपको पता है 60 मिनट में कितना कोण बनाता है, 360 डिग्री बनाता है एक चक्कर में, तो एक मिनट में कितना कोण बनाएगा, 60 से भागते दो के एक एक नियम, 0 से 0 कटा 6 डिग्री बनाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा मेरे पास है 6, बट्टे में है 360, पाई आर की जगह पर प्रश्न में क्या है, आर ही दे रखा है त्रिज्या, तो काटोगे 6 × 36 = 0, तो आंसर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बट्टे में 60, पाई आर स्क्वायर बट्टे में 60, ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, हमसे क्या बोला जा रहा है कि आधा सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा। देखो हमें व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या उसकी आधी होती है, दो से भाग दे देंगे, तो इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो एक, इसके गुणा इसके साथ, एक एक कम एक भागा दो दुनी चार, तो त्रिज्या मेरे पास है 1/4। हमें निकालना है अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल, उसका अर्धगोले का होता है 3πr², ठीक। 3π का मान नहीं रखना है, आर मेरे पास क्या है 1/4, वर्ग है तो वर्ग कर दो 3π, 1 का वर्ग 1 होता है, 4 का वर्ग 16, तो आंसर आ जाएगा 3π, 1 × 3π बट्टे में 16, 3π/16 cm². ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, कह रहे किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्यक क्रम से इतने और इतने बंटन का बहुलक क्या होगा। तो आप जानते हैं बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 × माध्यक माइनस के 2 माध्य, ये सूत्र होता है। तो प्रश्न में देखो पहले माध्य बोला है, फिर माध्यक बोला है, माध्यक दे रखा है 25.8, ठीक है, और हमें माध्य क्या दे रखा है, 2 × माध्य में दे रखा है 26.1, तो 3 से गुणा करोगे किसमें, 25.8 में 3 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 77.4, 8 × 24, और फिर हमें क्या करना है 26.1 में गुणा कर देना है 2 से, तो ये हो जाएगा 52.2, ठीक। 77.4 घटाना है 52.2, 4 में से 2 घटाएंगे 2.2, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 25.2, 25.2 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा।
ठीक। अगला प्रश्न है, कह रहे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सी होती है? बारंबारता, माध्य, देखो माध्य होती है, माध्यक होते हैं और बहुलक, ये जो तीन होते हैं वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बी और सी दोनों हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्न को एक बार दोबारा जरूर देखें। तो अब यहाँ तक हमारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गए। अब हम आते हैं हमारे वर्णनात्मक प्रश्नों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे सभी भाग हल कीजिए। दिया गया है कि जो मौसा है दो संख्याओं का 9 है, और दो संख्याओं का जो लौसा है एलसीएम वो हमें ज्ञात करना है। अभी यही क्वेश्चन हमें ऑब्जेक्टिव में एक नंबर में दिया गया था और यहाँ हमें दो नंबर में बोल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 21 का कौन नंबर? तो एग्जाम में जैसे लिखना है वैसे लिखवा देता हूँ, ऐसे लिखना होता है। दिया है हमें, दिया है जो HCF है 99 और 153 का, वो 9 दे रखा है, और हमें LCM 99 और 153 का ज्ञात करना है। ठीक, फिर यहाँ लिखोगे हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो तुम, कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? HCF गुणा LCM के बराबर होता है। तो संख्या हमें दे रखी है 99 और 153, और HCF हमें दे रखा है 9, और हमें LCM ज्ञात करना है। ये 9 गुणे में रखे क्या हो जाएगा, बट्टी में आ जाएगा, 9 से काटोगे 9 कम 9, 9 कम 9, तो 11 गुणा 153। ठीक है, आपको क्या करना है, 11 को गुणा कर देना है 153 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 1683। ठीक, ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं ये चीज कॉस थीटा के बराबर है तो थीटा का मान क्या होगा? बहुत ही आसान प्रश्न है, खौ नंबर। देखो हमें क्या बोल रखा है, यहाँ लिखेंगे दिया है, हमें दिया है 2 cos² 45 -1 cos थीटा के बराबर है, तो हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक, कॉस 45 का मान क्या होता है, 1/√2, वर्ग है तो वर्ग लगा दिया, माइनस का 1, इधर है कॉस थीटा। ठीक है, 2, 1 का वर्ग 1 होता है, √2 का वर्ग करेंगे √ हट जाएगा, 2 से 2 कटा, 1 बचेगा, 1 में से 1 कटा देंगे तो 0 आ जाएगा, इधर आ गया 0। देखो बराबर है, इधर कॉस है तो इसका मान भी कॉस में सोचना पड़ेगा। आपको पता है कॉस 90 का मान होता है 0, और इधर भी कॉस थीटा, कॉस से कॉस हट जाएगा तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो जो कोण का मान होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इतना आसान प्रश्न है, 2 नंबर में हो गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी 10 है, तो इस वाई का मान क्या होगा? ठीक है, करते हैं। देखो मैं आपको चित्र बना के पहले समझाने की चेष्टा करता हूँ। हमारे पास इनके बीच की दूरी दे रखी है, ये ए है, ए हमें दे रखा है 4, y, और बी हमें दे रखा है 12, 3, और इनकी जो बीच की दूरी है ना वो हमें दे रखी है 10। ए बी, ए और बी के बीच की दूरी 10 दे रखी है। ठीक है, सो आपको पता है ए और बी यानी दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x1 - x2 का वर्ग y1 - y2 का वर्ग, ये 10 है ना, 10 है। ठीक, तो ये हमारा x1 है, ये हमारा y1, ये x2 और ये हमारा y2। ओके, अब देखिए x1 हमारे पास है 4 और x2 हमारे पास है 12। ठीक, y1 हमारे पास y है और y2 हमारे पास 3 है। इधर अंडरवुड नोट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, वर्क कर देते हैं
जैसे ही वायर करेंगे इधर से अंडरवुड हट जाएगा, चार में से 12 घटाएंगे कितना बचता है, माइनस के 8। और इसको खोल दीजिए, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, 3 का वर्ग 9, माइनस का 2 अभी, 2 × 3 = 6 वाई, और 10 का वर्ग क्या हो जाएगा, 100। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई स्क्वेयर माइनस के 6 वाई, और 8 × 8 कितना होता है, 64, और प्लस का 100 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 100। तो यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस के 6 वाई, 100 में से 64 घटाओगे कितना आ जाएगा, कितना 24, एक सेकेंड, 64 है और ये 9 हमने जोड़ा नहीं है, प्लस का 9 भी तो है इधर, तो ये आ जाएगा 9 = 73, 64 और 9 = 73, 100 में से 73 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 27। ठीक, अब देखो इसका गुणज कुछ नहीं तो 1, इसके गुणा इसके साथ करनी होती, ऐसी दो संख्या लेनी है जिनका गुणा करने पर 27 है और घटाने पर 6 है, 9 × 3 = 27, 9 में से हम 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 9y माइनस के 3y। ठीक, जब भी माइनस हो ब्रैकेट लगा के मान रखो, तो माइनस से ब्रैकेट में गुणा कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से जोड़ा यहाँ से जोड़ा, इस जोड़े से वाई ओवर निस्ट, एक वाई स्क्वायर से वाई बाहर निकालेंगे तो एक वाई बचेगा और यहाँ से बचेगा 9, प्लस का चिन्ह 3 ओवर निस्ट आ जाएगा, वाई बचा 3 × 9 = 27। देखो जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखेंगे, और ये दोनों सेम टू सेम आए, यानी कि आपने सही काम किया है, और जो ओवर निस्ट निकाले चिन्ह के साथ उसे दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल दो। अब इसको 0 मानो और इसको 0 मानो, यदि वाई माइनस 9 = 0 तो माइनस का 9 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 9, एक आंसर। फिर इसको 0 मानना है यदि वाई प्लस 3 = 0 तो प्लस का 3 इस तरह के क्या हो जाएगा, माइनस का 3, ये हमें मिल गया दूसरा आंसर। ठीक है जी, कोई ये दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, कह रहे बिंदु एक्स कमा वाई बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ हो, तो एक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए घन नंबर पे आ जाओ, हमारे पास एक रेखाखंड है, बिंदु एक्स कमा वाई बिंदु इतने और इतने समदूरस्थ है, ये वाला जो बिंदु हम एम नाम देते हैं, जो हमें दे रखा है 3.6 और बी हमें दे रखा है माइनस के 3.4, इसके बीचों बीच एक बिंदु P दे रखे हैं जो कि एक्स कमा वाई समदूरस्थ बोला है, तो प्रश्नानुसार आ जाओ। क्या बोले, A और P के बीच की जो दूरी होगी ना, P और P के बीच की दूरी वही है, सेम टू सेम है, तो निकालो AP PB, x1 क्या हो जाएगा 3, x1 - x2 का वर्ग, y1 - y2 का वर्ग। अब इसमें आ जाओगे पी बी में, ये x1 हो जाएगा, x1 माइनस माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, x2 का वर्ग, y1 और ये हो जाएगा y2 का वर्ग। इधर भी अंडरवुड है, इधर भी अंडरवुड है, अंडरवुड हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, तो वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग करेंगे अंडरवुड हट गया, अंदर खोल देते हैं, ए माइनस बी का वर्ग, 3 का वर्ग 9, ए का वर्ग बी का वर्ग 2 × 2 = 6, फिर इसमें खोलोगे ए का वर्ग 6 का वर्ग 36 प्लस बी का वर्ग माइनस 2 × 6 = 12, इसको खोलोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का वर्ग 3 का वर्ग 9, ए का वर्ग बी का वर्ग 2 × 2 = 6, खोलो इसको ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग 4 का वर्ग 16 माइनस का 2 × 4 = 8 वाई, बराबर के दोनों तरफ सेम होने पे कट जाता है, प्लस का वाई स्क्वायर कटा, प्लस का एक्स स्क्वायर कटा। ठीक है, और ये जो प्लस का 9 है ये प्लस का 9 कटा, क्या बचा वो लिख दूँ, यहाँ से बचा माइनस के 6x प्लस 36 माइनस के 12y, यहाँ से बचा 6x प्लस के 16 माइनस के 8y, सबको उठा के एक तरफ रखो, देखो इधर क्या है 6x प्लस के 16 माइनस के 8y, माइनस के 6x उधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 6x, माइनस के 12 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 12,
और प्लस के 36 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 36, इस तरफ कुछ बचा नहीं, जीरो। 6x और 6x, 12x, 8, 12 में से 8 घटाएंगे 4 भाई, और 36 में 16 घटाएंगे माइनस के 20, 4 से भाग देते दोनों तरफ, 4 से भाग देने पर 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, और 0/4 क्या होता है, 0। तो ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। ये हमें हमारा संबंध मिल जाएगा अभिष्ट। कोई भी दिक्कत हो प्रश्न में आप एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं, अंगा नंबर पर। क्या बोला जा रहा है हमसे कि एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। भाई इतना आसान क्वेश्चन है, हमें क्या बोले, शंकु दे रखा है, चित्र बनाना ज़रूरी है, बनाओगे तो अच्छा होगा। ये हमारा शंकु है। प्रश्न में हमें बोल रखा है कि आधार की त्रिज्या यहाँ से लेकर त्रिज्या ये 3.5, और ऊंचाई जो हमारी दे रखी है वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो दिया है करके लिख दो। क्या दे रखा है, शंकु की त्रिज्या 8.5 सेंटीमीटर, 3.5 को मैं लिख सकता हूँ 7/2 सेंटीमीटर। कैसे, देखो यहाँ पर है 0.5 हटाएंगे, 1 आ जाएगा, 1 स्थान 0 बढ़ जाएगा, 5 × 2 = 10, 5 × 7 = 35 ऐसे। और हमें ऊंचाई क्या दे रखी है, ऊंचाई h, ये हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना है शंकु का आयतन, इसलिए शंकु का आयतन हमें निकालना है, क्या होता है सूत्र, 1/3 πr² h, 1/3 पाई का मान रखेंगे 22/7, त्रिज्या हमारे पास है 7/2, स्क्वायर यानी कि 2 बार 7/2 × 7/2, और h का मान है 12, 1 7 से 1 7 कटा, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 3 से 3 कटा, क्या बचा, 22 × 7 बचा, 7 × 2 = 14, 7 × 14 = 15, 154 आयतन है सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, हमें निकालना है माध्य। सो देखिए, वर्ग अंतराल दे रखे हैं बारंबारता, बोले तो एफ, बारंबारता दे रखी है हमें, माध्य किसी विधि से निकालना ये नहीं बोला है, 2 नंबर का प्रश्न है। तो जब कोई विधि नहीं दे रखी है तो आपको जो विधि अच्छी लगती है, जो आसान लगती है, वो प्रयोग कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो देखो, सबसे वर्ग अंतराल बारंबारता, उसके बाद चाहिए होता है वर्ग चिन्ह एक्स, ठीक, एक्स क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे और आधा करेंगे, 10 का आधा कितना होता है, 10 का आधा होता है 5। देखो सब में 10 का अंतर है, तो 10 जोड़ते जाओ, 5 में 10 जोड़ेंगे 15, ठीक, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, 35 में 10 जोड़ेंगे 45। अगला कॉलम लगा रहे हैं हम एफ एक्स का, ठीक है, सबसे आसान विधि प्रत्यक्ष विधि लगा रहे हैं, तो एफ एक्स के गुणा करो 5 + 3 = 15, 15 × 2 = 150। अब अगला गुणा करना है आपको, 11 को गुणा कर देना 25 से, तो यहाँ जाएगा 275, फिर 35 को गुणा करना है 9 से, 35 को गुणा करेंगे 9 से 315, ठीक है, फिर 45 को गुणा करना है 7 से, 315 फिर भी, ठीक। जो माध्य निकालने का सूत्र होता है प्रत्यक्ष विधि में, माध्य एक्स बार बराबर वो होता है एफ एक्स का कुल योगफल बट्टे में एफ का कुल योगफल, तो एफ का कुल योगफल कितना आ जाएगा, देखो ये हो गया 20, ठीक, ये हो गया 30, ठीक, ये हो गया 30, 33 और ये 7, 40। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखो 5, 5, 10, 15, 20 ऐसे लगा 2, 6, 6 और 7 कितना हो गया, 13,
14 15 15 और 2 17 हासिल लगा 1, 3 3 6 3 9 और 1 हासिल था 10। यह आ गया 1070 भागा देना 40 से, 0 से 0 कटा, ठीक 107 में भागा दे दोगे 4 से, तो 4 से काटोगे 4 दूनी 4 छंग 26.75 आ जाएगा। ये हमें हमारा माध्य मिल जाएगा, प्रत्यक्ष विधि से हमने निकाल दिया, किसी विधि को बोला नहीं था, तो हो गया क्वेश्चन आराम से। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाएंगे 4-4 नंबर वाले प्रश्न, ठीक जो जो मैंने बोला था वही वही प्रश्न एग्जाम में आए हैं, ये आपने भी देखा होगा। 22वां प्रश्न कह रहे हैं, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ये बोला है प्रश्न ने, ठीक। तो सबसे पहले शून्य के लिए जो भी बहुपद होता है उसे हम शून्य के बराबर मानते हैं, 7x + 12, ठीक, इसका गुणज कुछ नहीं है तो 1 है, इन दोनों की आपस में गुणा करनी है, ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करे तो कितना आता हो, 12 आता हो, और जोड़े तो 7 आता हो, जोड़े तो 7 आता हो, 4 3 12, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक। तो ये है x² 4 और 3, तो ये हो जाएगा 4x + 3x, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, ठीक, इस जोड़े से x सुपरनिष्ठ है, निकालो, x² से 1x बाहर आ गया, 1x बचा, तो यहाँ से 4 बचा, प्लस का चिन्ह आ गया, 3 उपनिष्ठ है, 3 बाहर आ गया, x बचा, 3 चौके 12, ये चीज़ और ये चीज़ समान है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है, तो जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखेंगे, और जो उभयनिष्ठ हैं चिन्ह के साथ वो आ जाएगा दूसरे वाले ब्रैकेट में, इसको एक बार 0 मानोगे, इसको एक बार 0 मानोगे, यदि x + 4 = 0, तो प्लस के 4 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 4, और यदि इसको 0 मानोगे, x + 3 = 0, तो प्लस का 3 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 3, ठीक है। तो ये हमें हमारे शून्यक मिल गए, अतः शून्यक अल्फा बोल दो माइनस का 4, और इसे बीटा बोल दो जो कि माइनस के 3, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये पहला आंसर आ गया शून्यक वाला। अब हमें जांच भी करनी है, ठीक है, जांच करनी है, क्योंकि हमारे पास जो बहुपद है px बराबर वो है x² प्लस के 7x प्लस के 12, यहाँ पर a क्या है हमारे पास, a हमारा है x² × 1, b हमारा है x² और c हमारा क्या है, अचर पद 12। तो पहली जांच जो हमें निकालनी है वो है शून्य को का योगफल, ठीक, वो क्या है, शून्य को का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर ये होता है माइनस के बी अपॉन ए, ये सूत्र होता है, एल शून्य को का योगफल किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर। अब जांच करके देखो दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं, अल्फा का मान हमें मिला है माइनस के 4 और बीटा का मान मिला है हमें माइनस के 3, बी हमारे पास है 7 और ए हमारे पास है 1, माइनस 4 और माइनस 3 माइनस के 7, किसी भी संख्या को 1 से भाग देते हैं ऊपर जो होता है वही आ जाता है, आगे दोनों तरफ बराबर, तो ये जांच सही है। उसके बाद हम निकालेंगे नंबर 2, शून्य को का गुणनफल, शून्य को का गुणनफल जिसका सूत्र होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बट्टा ए, क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बट्टा ए होता है। तो अल्फा का मान हमारे पास क्या है बच्चों, माइनस के 4 गुणा बीटा का मान है माइनस का 3, सी का मान है 12 बट्टे में 1, ए का मान 1 रख दिया, माइनस माइनस गुणे में क्या होता है प्लस, 4 3 12, 12 के बट्टे में 1 12 है दोनों तरफ बराबर, तो ये जांच भी हमारी सही हो गई, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 कितना है? 80 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ जाता है, इस साल भी आया और मैंने बोला था कि आएगा। जो भी प्रश्न मैंने कराए वही एग्जाम में आपको मिले, और मैंने पहले ही बोला था कि ये आएंगे, इनको बनाओ, तब आप लोग बात मान नहीं रहे थे। देखो, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, अंतर मतलब घटाना, तो एक संख्या बड़ी होगी एक संख्या छोटी होगी, तो मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या वो हमने मान ली y, ठीक। अब आ जाओ प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या बोला है? दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, बड़ी संख्या का वर्ग में से अगर छोटी संख्या का वर्ग का अंतर करें तो अंतर में तो घटाना है, 180 आता है। ये हमारे पास पहला समीकरण आ जाएगा पहले शर्त से, ठीक। फिर आ जाइए द्वितीय शर्त में क्या है? देखो भाई, छोटी संख्या का वर्ग किसके बराबर है? छोटी संख्या का वर्ग y स्क्वायर बराबर 8x है। ये y है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये y है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब मैं क्या करूँगा, y स्क्वायर का मान समीकरण एक में रख दूंगा, तो लिखेंगे y स्क्वायर का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर का मान है 8x, इधर है 180 माइनस के 8x प्लस के 180, इधर क्या हो जाएगा माइनस के 180 बराबर 0। तो ये हमें आ रहा है एक द्विघात समीकरण मिल चुका है। अब इसको हमें हल करना है। देखो, इसका गुणज कुछ नहीं तो 1 है, 1 की गुणा 180 से होगी। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करें तो 180 आए और घटाएं तो 8, 18 दाई 180 और 18 में से 10 को घटाएंगे 8 आ जाएगा। 18 में से 10 को घटा देना है, ठीक। देखिए, माइनस से अंदर गुणा करेंगे ये हो जाएगा माइनस के 18x माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया, यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा। अब देखिए, यहाँ से उभयनिष्ठ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से 1x बाहर आ जाएगा और यहाँ से बचेगा 18, प्लस का चिन्ह 10 उभयनिष्ठ आएगा और 10 एक कम 10, 10 88 ये चीज़, और ये चीज़ समान है। तो जो दो बार उसे हम एक बार लिखेंगे वर्णखंड बनाने के लिए, और जो उभयनिष्ठ है वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक। अब इसको ज़ीरो मानोगे, यदि x प्लस 10 बराबर 0 तो प्लस के 10 इधर आके माइनस के 10 हो जाएगा, जो कि अमान्य है, क्योंकि जैसे x का मान यहाँ रखोगे ना अंडर रूट के अंदर आ जाएगा माइनस, तो वो काल्पनिक हो जाता है, तो ये नहीं ले सकते। इसको मानोगे 0 यदि x माइनस के 18 बराबर 0 तो माइनस के 18 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के 18, ठीक। तो x हमने बड़ी संख्या मानी थी, हमारी जो बड़ी संख्या मिलेगी 18 मिलेगी। y स्क्वायर हमारे पास क्या है, 8x, तो y बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 8x, x का मान रखो कितना है 18, तो 18 गुणे 8 कितना होता है 144, और 144 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 12। तो जो बड़ी संख्या होगी वो 18 होगी और छोटी संख्या कितनी होगी 12 होगी। ये हमें हमारा आंसर मिल गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है, ठीक।
ध्यान से देखिए, हमारे पास एक वृत्त है और एक बाह्य बिंदु ले लिया। इस बिंदु से हमने दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है, खींच दी। इस बिंदु का नाम मैंने पी बोला, ये ए, ये बी। केंद्र पर जो अंतरित करता है वो संपूरक दिखाना है, मतलब इस कोण का और इस कोण का जो योगफल होगा संपूरक यानी कि 180 होगा। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बहुत ही आसान प्रश्न है कि कोण पी प्लस कोण ओ कितना दिखाना है, इस 180 डिग्री लाके दिखाना है, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखिए, प्रमेय, प्रमेय 10.1 से आप क्या जानते हो कि जो स्पर्श रेखा होती है और जो त्रिज्या होती है उसके बीच में 90 इंच का कोण बनता है। जानते हो ये चीज, बिल्कुल जानते हैं कि भैया कोण ए और कोण ये जो बी है वो दोनों के दोनों कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे, ये हम पहले से जानते हैं, ठीक। और वैसे क्या है ये पी ए ओ बी, ये एक चतुर्भुज है। ये क्या है, एक चतुर्भुज। चूंकि पी ए ओ बी एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, पी प्लस ए प्लस ओ प्लस बी कितना होता है, 360 होता है, है कि नहीं। अब मान रखोगे पी ए का मान है 90, ओ का मान हमें नहीं पता, बी का मान है 90 90 180, तो यह आ जाएगा पी प्लस कोण ओ, यह आ जाएगा 180। प्लस का 180 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 180। तो प्लस का 180 इधर के माइनस का हो गया, तो यहाँ बचेगा कोण पी प्लस कोण ओ, इधर बचेगा 180। तो जो हमें सिद्ध करना था वो हमें आराम से मिल जाएगा, ये सिद्ध करना था ना, आ गया। तो यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड इति सिद्धम। तो ये क्वेश्चन हमारा बड़े आराम से बन गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे आकृति में ओ ए डॉट ओ बी, डॉट मतलब गुणा, ओ सी डॉट ओ डी के बराबर है, कोण ए और कोण ए को सी के बराबर दिखाना है और बी को डी के बराबर दिखाना है, बी को डी के बराबर दिखाना है, ठीक। अब देखो दो भुजाओं ने आपस में कट किया है तो शीर्ष अभिमुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ डी, ए ओ डी व त्रिभुज सी ओ, सी ओ बी में, ठीक, ये लिख देंगे। देखो सबसे पहली चीज तो हमें कौन सा कोण बराबर दे रखा है, कोण ओ बराबर, कोण ओ क्यों बराबर है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि अगर ये हमें बराबर दिखाना है तो इसके लिए इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना पड़ेगा। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनका संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अब हमें दिया क्या है, देखो ये हमें दिया है ना ओ ए, चूंकि ओ ए गुणा ओ बी किसके बराबर है, ओ सी गुणा ओ डी। तो देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर ओ ए है और ओ बी, ये ओ बी है, तो यहाँ से आ जाएगा ओ ए बट्टे में ओ सी, ये गुणे में है इधर के बट्टे में आ गया, और यहाँ आ जाएगा ओ ए हो गया और ओ डी, ये ओ डी और ये ओ बी गुणे में था इधर के बट्टे में आ गया। तो देखो संगत भुजा का जो अनुपात है वो बराबर आ गया और एक कोण बराबर दिखा दिया हमने एस ए, एस के आधार पर, एस ए एस द्वारा, ये जो त्रिभुज है ए ओ डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ओ बी के। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं, कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी के और कोण बी बराबर हो जाएगा डी के।
यही हमें प्रूफ करना था। इतना आसान क्वेश्चन था, आराम से बन गया। ओके, कहीं पे भी डाउट नहीं होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं देखिए, कह रहे ताश की अच्छी तरह से फिटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता बादशाह होगा बादशाह नहीं होगा। ठीक, शानदार क्वेश्चन है। देखो, जो कुल पत्ते होते हैं गड्डी में वो 52 ही होते हैं, और बादशाह जो होता है एक गड्डी में वो 4 होता है। हर कैटेगरी में एक बादशाह होता है, टोटल 4 कैटेगरी होती है, तो 4 बादशाह होते हैं। पहला आपसे पूछा गया बादशाह आने की प्रायिकता, बादशाह आने की प्रायिकता ये पूछा गया है। बादशाह आने की प्रायिकता शूद्र क्या होगा, प्रायिकता का, प्रायिकता का शूद्र होता है संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ठीक, ये शूद्र होता है, संभव परिणाम कितना है 4, कुल परिणाम कितना है 52, तो 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। ठीक है, तो बादशाह आने की प्रायिकता को अगर मैं ए से दिखाऊं तो पी ए हमारे पास आ जाएगा 1/13। हमसे क्या बोल रहा है दूसरे वाले पार्ट में, बादशाह ना आने की प्रायिकता निकालो, बादशाह नहीं होगा। नंबर 2, बादशाह ना आने की प्रायिकता ये हमें निकालनी है। बादशाह ना आने की प्रायिकता, बादशाह आने की प्रायिकता को ए से दिखाएं तो बादशाह ना आने की प्रायिकता पे ए डच, ये हमें ज्ञात करना है। और आप जानते हो किसी चीज़ के होने की प्रायिकता, बादशाह होने की प्रायिकता और बादशाह नहीं होने की प्रायिकता का योगफल कितना होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक, पी ए डैश हमें निकालना है, ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का। मान रखो पी ए का मान हमें निकालना 1/13, लॉस ऑफ आ जाएगा 13, 13 × 1 = 13 माइनस का 1, तो आंसर आ जाएगा 12/13। तो बादशाह ना आने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी, 12/13 होगी। चलिए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। क्या पूछ रहे हैं हमसे, निम्नलिखित का माध्यक ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान है, माध्यक निकालने के लिए हमें क्या करना होता है। देखो वर्गांतराल 10 पे खत्म है, 10 से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, संचयी बारंबारता निकालनी है। हमें क्या निकालनी है, संचयी बारंबारता कैसे निकलेगी देखिए, यहाँ लिख देंगे सी एफ और ये हमारा F का कॉलम है। ठीक, क्या होता है पहला वाला, वैसे की वजह 5 है तो 5, 5 में 8 जोड़ेंगे 8 और 5 = 13, 13 में 20 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 33, 33 में 15 जोड़ेंगे 3 और 5 = 8 और 3 और 1 = 4, 48 में 7 जोड़ेंगे 52, 52 में 5 जोड़ेंगे तो 57। ठीक, देखो 8 और 5 = 13, 13 और 20 = 33, 33 में हम जोड़ेंगे 15 तो ये हो जाएगा 48, 48 ओ यार गड़बड़ हुआ है कहीं जोड़ने में, ठीक है जोड़ने में गड़बड़ हुआ है, 48 और 12, फिर से एक बार जोड़ देखो 8 और 5 = 13, 13 और 20 कितने हो गए 33, 33 और 15 कितने हो गए 48, 33 और 15 = 48, 48 और 7 देखो 48 में 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 55 और 55 में हम 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 60। देखो इनका योगफल 60 आ रहा है तो यहाँ पे भी 60 चाहिए, यहीं से पता लग गया कि हमने गड़बड़ कर दी जोड़ने में, क्योंकि जो यहाँ पे होता वही यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ लिखेंगे कुल। ठीक, सो देखो फिर से जोड़ते हैं। अच्छा 48 में 7 जोड़ेंगे तो 55 होगा ना भाई, 52 थोड़ी ना होगा, 55 होगा, तो ये है भाई 55 और 55 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60, ये है 55। मैं भी यार कमाल करता हूँ। ठीक है, तो आप जानते हैं एफ के कुल योगफल को हम एन कहते हैं, तो एन हमारे पास 60 है, एन हमारे पास क्या है 60 है। अब हमें देखना होता है एन बट्टे दो, ये सब फेयर में करना है, एन बट्टे दो यानी कि 60/2 यानी कि 30, आपको 30 से जस्ट ज़्यादा ढूंढना है सी एफ में,
पहली बार जो मिलेगा उसी की सीध में आ जाओगे, उसी की सीध में आ जाओगे। तो हमारे पास माध्यक वर्ग कितना मिला, 20 से 30। ठीक, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा एल बराबर आ जाएगा 20, एच कितना होगा, 20 से 30 के बीच का जो अंतर है वो है 10। अच्छा सी एफ चाहिए, जहाँ से हम ढूंढते हैं उसके जस्ट ऊपर वाला हमारा सी एफ होता है। तो सी एफ हमारा कितना है, सी एफ हमारा है 13। सब निकल चुका है, अब हमें माध्यक वाले सूत्र में आ जाना है। माध्यक का सूत्र होता है एल प्लस एन बट्टे 2 माइनस का सी एफ गुणे एच बट्टे में एफ। ठीक, मान रखेंगे एल का मान है 20, एन बट्टे 2 यानी कि 30, सी एफ हमारे पास है 13 और एच हमारे पास है 10 और एफ का मान है 20। तो 10 दूनी 20, तो देखिए यहाँ से आगे 20, 13 में से और 30 में से 13 घटाएंगे 17 आ जाएगा, 17 बट्टे में 2, 2 8 16। ठीक है, 2 5 10, 20 में 8.5 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 28.5। तो हमें हमारा जो माध्यक मिलेगा वो मिलेगा 28.5। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहे हैं, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। अब किसी भी विधि से हल कर सकते हो, वो विधि का नाम नहीं बोला गया है, तो देखो हल करते हैं। दिया है, हमें दिया है 3x माइनस के 5y, माइनस के 4 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 4, और यहाँ पर है 9x प्लस का 2y, इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 2y, और इधर है 7। तो सबसे बेस्ट विधि होती है विलोपन विधि, हम वही लगाएंगे। आपको जो पसंद हो वो विधि लगा सकते हो। ठीक, तो विलोपन विधि में मैं क्या कर रहा हूँ, जिसको हमें विलुप्त करना होता है उसका कुड़ज हमें समान करना होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वाई को हटाना है, इधर 2 है, इस वाले में 2 से गुणा कर दो, इधर 5 है, इस वाले में 5 से गुणा कर दो। ठीक है, तो और यहाँ लिख दो सिंपल में समीकरण 1 तथा 2 से, तो 2 से गुणा करोगे ये हो जाएगा 2 3 6x, 2 5 10 y, और 4 2 8। 5 से गुणा करोगे 9 5 45x, 9 5 2 10 y, और 5 7 35। देखो नेगेटिव नेगेटिव समान चिन्ह जब जब होगा घटाना होता है, घटाने पर, और विपरीत चिन्ह में जोड़ते हैं, घटाने पर चिन्ह बदलता है और जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है। प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, घटा प्लस माइनस। हमें 45 में से 6 घटाना है, तो कितना आ जाएगा 39x माइनस का, और 35 में से हमें घटाना है 8, तो माइनस का बचेगा 27। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, और ये गुड़े में इधर के बट्टे में आ जाएगा, काटो 3 1 3 3 3 3 9 27, तो x का मान आ जाएगा 9 बट्टे 13। x का मान कितना आ जाएगा, 9 बट्टे 13। x का मान उठा कर किसी भी एक समीकरण में रख दो, आंसर आ जाएगा, चूंकि पहले वाले में रखते हैं 3x माइनस के 5y बराबर 4 है, हमें वैसे y का मान निकालना है, तो प्लस के 4 इधर के माइनस का हो गया, माइनस के 5y इधर के प्लस का y हो गया। अब मान रखो x का मान है 9 बट्टे 13। ठीक, सो लॉस ऑफ आ जाएगा 13, 9 3 27, 13 6 52। ठीक है, अब आपको 52 में से घटा देना है 27, तो बचेगा 25 माइनस का, बट्टे में है 13, इधर है 5, 5 गुड़े में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 5 1 5, 5 5 25, तो वाई का मान आ जाएगा माइनस के 5 बट्टे 13। तो ये हमें एक्स और वाई का मान जो हमसे पूछा गया था वो हमने फट से निकाल दिया, 6 नंबर में पूछा गया था। अब आ जाओ अथवा वाले में, ये तो एनसीईआरटी का प्रश्न है और मैंने सारे कराए हैं, आपको एक भी छोड़ा नहीं है, और ये सारे प्रश्न कराए हुए प्रश्न थे। क्या बोला है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का युगफल 66 है। 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक होगा और दहाई का अंक होगा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है, तो संख्या का वास्तविक रूप क्या होगा। ठीक है, संख्या का वास्तविक रूप क्या होगा, संख्या का वास्तविक रूप हो जाएगा
ढाई पे वाई है तो ये 10y प्लस का एक्स हो जाएगा, ठीक। और पलटने पर क्या होगा, पलटने पर संख्या, तो पलटने पर ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों के पलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार इसको और इसको अगर हम जोड़ दें, प्रश्न के अनुसार ये बोला है, जो संख्या है और जो पलटने पर जो संख्या है उनको जोड़ने पर अंकों का योगफल कितना है, 66 है। 10y प्लस y कितना हो जाएगा, 11y, और 10x प्लस x ये कितना हो जाएगा, 11x। उभयनिष्ठ क्या है, 11, यहाँ से आ जाएगा वाई और ये एक्स, 11 × 66। तो पहला जो आ जाएगा x + y = 6, पहला समीकरण। अब द्वितीय शर्त अनुसार आ जाओ, देखिए द्वितीय शर्त को ध्यान से देखो, द्वितीय शर्तानुसार, और यहाँ से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ से बच्चे गड़बड़ी करते हैं। द्वितीय शर्त में क्या बोला है, संख्याओं का अंतर। अब किसमें से कौन सा घटाना ये नहीं पता हमें, एक्स में से वाई भी घटा हो तो 2 आ सकता है, या फिर वाई में से एक्स घटा हो तो 2 आ सकता है, संख्याओं का अंतर बोला है ना। तो हमें दोनों स्थिति लेनी पड़ेगी, और एक बार एक को और दो को हल करना पड़ेगा, और एक बार एक को और तीन को हल करना पड़ेगा, दो केस लेने पड़ेंगे। केस 1, समीकरण 1 व 2 से, पहला क्या है, x + y = 6, और दूसरा है x - y = 2। विपरीत चिन्ह है, जोड़ दो, कटा x और x कितना आ जाएगा, 2x, 6 और 2 8, 2 × 8 x का मान आ गया 4। x का मान इस समीकरण में रख दो, क्योंकि x + y = 6 है, x का मान 4, प्लस के 4 इधर आगे माइनस के 4 हो जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 2। अतः संख्या क्या था, y और x, तो y का मान मिला है 2 और x का मान मिला है 24, तो संख्या हो जाएगी 24, ठीक है। दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 24, पहले केस में। अब आ जाओ केस नंबर 2 में, केस 2, समीकरण 1 तथा 3 से, समीकरण 1 क्या है, x + y = 6, और 3 क्या है, -x + y = 2, ठीक। विपरीत चिन्ह जोड़ देंगे, एक्स एक्स कटा वाई प्लस वाई कितना हो गया, 2y, 6 और 2 8, 2 × 6, तो y का मान आ गया 4। चूँकि x + y 6 के बराबर है, एक्स वाई का मान 4 आ चुका है, प्लस के 4 इस तरह आगे माइनस का 4 हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 2, ठीक। अतः संख्या, संख्या हमारे पास क्या है, y और x, तो y का मान मिला है 4, x का मान मिला है 2, तो वो संख्या होगी 42। तो या तो संख्या 42 होगी या फिर संख्या 24 होगी, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। कई बार ऐसा ही बोल जाते हैं, ऐसी कितनी संख्या है, तो ऐसी 2 संख्या है, एक 24 हो सकता है या फिर 42। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, क्या बोल रहे हैं, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क से के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है, सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, और भवन के पाद का जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री है। तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई इतनी होगी, ठीक है। सो देखो, ये सड़क है, सड़क है, और ये हमारी मंदिर है, ये काले से दिखा दे रहे हैं, ये हम दिखा रहे मंदिर, और ये हमारा भवन है, लाल से दिखा दे रहे हैं, ये हमारा भवन है, ठीक। सो देखिए, हमें प्रश्न में बोल रखा है, प्रश्न में क्या बोला है कि मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर, ये मंदिर हमारा 15 मीटर ऊंचा है, और मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरे भवन के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो हमें दे रखा है 30 डिग्री। तो
इसके समांतर में यहाँ लिखा देखा रहनी पड़ेगी, ये ले लिया और ये हमें दे रखा है 30 डिग्री, ठीक। और तथा भवन के पाद का, ये भवन का पाद है, इसी बिंदु से जो अवनमन कोण है वो कितना है 45, यहाँ पर कितना है 45। ओके, देखो अगर ये 15 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा 15, ठीक। तो हमें प्रश्न में बोला भवन की ऊंचाई, ये जो टोटल ऊंचाई है ना, हमें इसको ये लाकर सिद्ध करना है। तो मैं इस ऊंचाई को मैं क्या मान लेता हूँ, h मान लेता हूँ, माना ये जो ऊंचाई h है, 15 में जैसे ही मैं h जोड़ दूंगा तो मुझे मेरी भवन की ऊंचाई मिल जाएगी। यहाँ पे 90 है, यहाँ पे भी 90 है, देखो दो समकोण त्रिभुज बन गए। अब इनको हल कर लो, आंसर आ जाएगा। नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। ओके, अब ध्यान से देखिए, देखो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ये जो भुजा है दोनों में उभयनिष्ठ है, तो इसको लेना ही पड़ता है। इसको मैंने x मान लिया, ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा, जरूरत पड़ेगी इसकी। देखो अब आ जाओ त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखो ये हमें पता है और ये हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हम जब दो समकोण त्रिभुज होते हैं ना, दोनों भुजा में जो अगर कॉमन होता है, दोनों समकोण त्रिभुज में जो भुजा कॉमन होती है वो हमें लेना ही पड़ता है, ठीक। ये हमें दे रखा है और ये हमें निकालना ज़रूर पड़ेगा। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ए बी हमें पता है, और जो हमें निकालना है उसके बीच संबंध लगाओ, तो लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा, थीटा मेरे पास से 45, ठीक। ए बी मेरे पास कितना है 15 और बी सी मेरे पास कितना है x, 10/45 का मान होता है 1, 1 के बट्टे में कुछ नहीं तो मैंने 1 ले लिया। त्रिकोणा करो, x एक कम x, 15 एक कम 15, तो x का मान आ गया 15 मीटर, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाओ दूसरे वाले समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में देखो ये हमें निकालना है और ये हमें x पता चल चुका है, ए डी बट्टे ए डी, देखो कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये है आधा, लंब बटे आधा 10 थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री। ए डी हमें क्या दे रखा है, ए डी हमने माना है h और ए डी हमारे पास है x, 10/30 का मतलब 1/√3, ये बट्टे का त्रिगुणे में आ जाएगा x बट्टे में √3, और x का मान कितना है 15 बट्टे √3, √3 का भी नीचे नहीं छोड़ दें, √3 से ऊपर नीचे हमने कर दिया गुणा, तो देखो ये हो गया 15 √3, √3 × √3 सिर्फ 3, 3 × 5 = 15, तो h का जो मान आ गया वो आ गया 5√3 मीटर। अतः भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या होगी, h प्लस 15, ठीक। h का मान हमारे पास कितना है, h का मान है 5√3 और यहाँ है 15, उभयनिष्ठ क्या है 5, 5 बाहर आ गया, √3 बचा, 5 × 3 = 15, यही सिद्ध करना था। 5 ब्रैकेट के अंदर 3 + √3, 5 × 3 + √3, यही हमें सिद्ध करना था। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले वाले प्रश्न में आ जाऊँ, इसके अथवा वाले पार्ट में क्या बोल रहे हैं, एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो एक भवन है और एक मीनार है, एक सेकंड रुको, ये हमारी ज़मीन है, ठीक। ये हम भवन मान लेते हैं, कहने भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये हमारी मीनार है। देखो भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है ना 60 डिग्री है, तो इसके समांतर मुझे यहाँ पर एक रेखा लेनी पड़ेगी, ये जो कोण हमें दे रखा है वो दे रखा है 60 डिग्री, ठीक। भवन के शीर्ष से मीनार के पाद बिंदु का जो अवनमन कोण है, भवन के शीर्ष से मीनार के पाद बिंदु का, ये मीनार का पाद बिंदु है, अवनमन कोण जो है वो कितना है 45, ये 45 है। यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है, मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है, ये 40 मीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितनी होगी 40 मीटर, तो हमें सिद्ध करना है, सॉरी, ये भवन है और ये हमारा मीनार है,
मीनार की ऊंचाई 40 दे रखी है, सॉरी सॉरी ये पूरा 40 दे रखा है बच्चों, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 दे रखा है। तो ये हमें क्या बोला, भवन की ऊंचाई निकालो। तो हम मान लेते हैं कि भवन की ऊंचाई एच है, ठीक है, अगर ये एच है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, एच, यहाँ से लेकर यहाँ तक एच होगा। तो ये दूरी कितनी होगी, 40 में से एच घटा देना होगा, तो ये दूरी हो जाएगी 40 माइनस एच, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे 90 बनाए, यहाँ पे 90 बनाए, और हमें एच निकालना है, और एच को हमें ये लाके दिखाना है। देखो ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, मैं इसको x मान लेता हूँ, तो ये भी x होगा, ठीक, नाम दे देते हैं A B C D E। अब आ जाओ प्रश्न में, तो सबसे पहले देखो A B दो समकोण त्रिभुज है ना, उनको हल कर लो, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। समकोण त्रिभुज A B C में ये हमें निकालना है, और ये दोनों में चाहिए होगा A B बट्टे बी सी, कोण के सामने वाली भुजा लंब बट्टे आधार टेन थीटा, थीटा है 45। ए बी को हमने एच माना है, बी सी को हमने एक्स, टेन 45 का मान एक, एक्स एक कम एक्स। अब आ जाओ दूसरे वाले समकोण त्रिभुज में ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में ए डी हमें निकालना है, और ए डी हमें दोनों में उभयनिष्ठ भुजा इसको लेना ही पड़ेगा, ए डी बट्टे ए डी, तो लंब बट्टे आधार टेन थीटा, थीटा कितना है 60, ए डी हमारे पास है 40 माइनस के एच, और ए डी हमारे पास है एक्स, टेन 60 का मान होता है अंडर रूट 3। अब देखो हमें एच का मान निकालना है ना, तो एक्स की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, एच रख सकता हूँ, ये गुणे में आ जाएगा, बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा, और x की जगह पर हम h रख सकते हैं, इसके जगह पे हमने रख दिया h, तो माइनस के h उधर रखे क्या हो जाएगा, प्लस के h, h क्या है यहाँ से उभयनिष्ठ, ठीक। अब ये गुणे में इधर रखे क्या हो जाएगा, बट्टे में, अब परिमेयकरण करेंगे क्योंकि बट्टे में कभी अंडर रूट छोड़ते नहीं है, परिमेयकरण कर दो, विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा। अब आपको आंसर आता होगा, दिख रहा होगा नीचे किस रूप में, ए प्लस बी ए माइनस बी, जिसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ऊपर हमारे पास क्या है 40 अंडर रूट 3 माइनस 1, ये है ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, 40 अंडर रूट 3 माइनस 1, और 3 का वर्ग करेंगे अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे अंडर रूट हट जाता है, 1 का वर्ग करेंगे 1, 3 में से घटाएंगे 2 आ जाएगा, 2 से घटोगे 2 दूनी 0, तो आंसर आ जाएगा 20 अंडर रूट 3 माइनस के 1। हमें बोला था कि भवन की ऊंचाई इतनी होगी, सिद्ध करोगे, आ गया 20 अंडर रूट 3 माइनस 1, 20 अंडर रूट 3 माइनस 1, तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल गया, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में, क्या बोला जा रहा है हमसे, कह रहे हैं एक ठोस एक शंकु के आकार का है, अच्छा एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार और त्रिज्या के अर्ध गोले पर अध्यारोपित है, अच्छा ये अर्ध गोले के ऊपर रखा पड़ा है, ठीक। हमें क्या बोला है, एक समान आधार की त्रिज्या है, दोनों की त्रिज्या समान है, अगर इसकी त्रिज्या r है ना, तो अर्ध गोले की त्रिज्या भी कितनी होगी, r होगी, ठीक है, यदि जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर है, यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, मान लेते हैं शंकु की जो ऊंचाई है वो h है, ठीक। प्रश्न में दिया क्या है,
प्रश्न में दिया है कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ समान है, ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ समान है अर्धगोले के वक्र पृष्ठ के, यही तो बोल रखा है। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है वक्र पृष्ठ संपूर्ण नहीं बोला है 2πr2। तो देखो पाई से पाई कटा और यहाँ आर है तो एक का आर यहाँ से कम हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा 2r, ठीक है। हमसे क्या बोला गया है शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, अच्छा ऊंचाई का अनुपात बोला है। तो देखो l बराबर क्या होता है, l बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इधर अंडर रूट है, हम क्या करेंगे वर्क करेंगे, वर्क करेंगे इधर से अंडर रूट हट जाएगा और 2 का वर्ग 4 r का वर्ग क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ये प्लस के तरह क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहां से बचेगा 3r2। वर्गमूल ले लेंगे दोनों तरफ, यहाँ से बचेगा h, 3 का वर्गमूल होता है अंडर रूट 3 आर स्क्वायर का r, तो ये जो r गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, यहाँ बचा अंडर रूट 3, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, और बट्टे का मतलब क्या होता है अनुपात, h अनुपात r, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 अनुपात 1, ठीक। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन भी हो गया, आगे बढ़ते हैं, अगला लाख आखिरी क्वेश्चन ये हमारा, बाकी बच्चों मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, ठीक। और कक्षा 11 की पढ़ाई तो ऑलरेडी चैनल पे स्टार्ट भी हो गई, वो ज़रूर देखें। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं तो उनको ज़रूर बताएं, क्योंकि ये 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या हमें दे रखा है आर बराबर 21 सेंटीमीटर, 60 डिग्री का कोण बनाता है, थीटा बराबर दे रखा है 60 डिग्री, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर, थीटा है 60 बट्टे में 360, पाई का मान कुछ नहीं है तो 22/7 और त्रिज्या है 21, आर स्क्वायर यानी कि 21 गुणा 21, 0 से 0 करना 6×36 7×21 3×2 ऊपर आ गया 22 गुणा 21 बट्टे में है 2, ठीक। आपको क्या करना है 22 को गुणा कर देना 21 के साथ तो यह आ जाएगा 462 बट्टे में 2, 2×2 4 और 2×3 6 2×1 2 आंसर आ जाएगा 231 cm². तो इस तरीके से ये पूरा पेपर हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, बाकी डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें और इसके जितने भी पार्ट्स हैं जितने भी सेट हैं वो सारे करा कर मैंने प्लेलिस्ट बना दूंगा और इसके लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर देख लें। और अगर 2025-26 में कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर देख लेना, क्योंकि विगत वर्षों के प्रश्न पत्र एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में हम क्लास 10th में का जो पेपर हुआ है ना 2024 बोर्ड एग्जाम का, पेपर का जो कोड है 822HX, इसे फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो वीडियो है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विगत वर्षों के प्रश्न पत्र एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये आपको पता है। अगर बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है तो NCERT के साथ विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को ज़रूर करना ही करना है। बाकी बच्चों प्लेलिस्ट एक बार डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने, उसको ज़रूर चेक कर लेना।